जिन बच्चों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है और जिनके भी स्टेटस में या स्कॉलरशिप में कोई सस्पेक्टेड डेटा आ गया है, सभी बच्चे जिनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है, वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी जानकारी मिलेगी। अन्यथा हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप ना आए, तो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीएड के बच्चों के लिए। जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में हैं और अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किए थे रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट एड नॉट डिक्लेयर करके, सभी बच्चों के स्कॉलरशिप में करेक्शन हो रहा है, तो सभी बच्चे अपना यूजर आईडी पासवर्ड से अपना लॉगिन फॉर्म लॉगिन कर लें और उस पर स्टेटस चेक कर लें। सभी बच्चों का स्टेटस चेक हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 तारीख तक ही करेक्शन होगा। हर हाल में 17 तक करेक्शन करके 20 तारीख तक अपने महाविद्यालय में जमा करके उसको आप आगे फॉरवर्ड करा दें, तभी आपके स्कॉलरशिप आएगी, अन्यथा स्कॉलरशिप रुक सकती है। कुछ बच्चों की जिनकी स्कॉलरशिप अभी आधी आई है, उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आएगा मार्च के लास्ट तक। सभी बच्चे अपना स्कॉलरशिप जरूर चेक करें और जिनके भी कोई सस्पेक्टेड है ऑनलाइन करके तुरंत डेटा अपने महाविद्यालय में जमा करके फॉरवर्ड जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, और स्कॉलरशिप संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो दूसरा आने वाला है, तो वो जल्द ही मिलेगा आपको। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।